अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज हम बना रहे हैदराबादी एक कोरमा, एक मलाई कोरमा बना रहे। देखिए भी मेरे स्टाइल में। देखिए मैंने 7 बॉयल अंडा कर लिया है, उसको इस तरीके से हाफ हाफ कट कर दिया है। 1 चम्मच बटर है, 1 कप ऑयल है, 1 कप दूध है मेरे पास जो मैंने बॉयल करके लिया है। देखिए ये 3 बड़ा चम्मच हरा पेस्ट है, इसमें हरी मिर्ची अदरक लहसुन सब पेस्ट बना लिया मैंने। ये कुछ कोथमीर है, 2 हरी मिर्ची इस तरीके से कटिंग किया है। पाउडर स्पाइसेस है, देखे ये 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, नमक है टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, और ये मैंने 3 बड़ी प्याज है जो कि इस तरीके से एकदम फाइन चॉप किया है। देखिए दोस्तों इस तरीके से बारीक चॉप करना है आपको, मोटी मोटी नहीं करना है इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से चॉप नहीं करना है तो आप इसको ग्राइंड करके भी ले सकते हो। मिक्सी में इसको पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए प्याज का। चलिए अब हम बनाएंगे, चलें अब हम बनाएंगे। देखिए पैन गर्म हो गया है, अब फ्लेम मीडियम पे ही रखना। चलिए इसमें तेल ऐड कर देंगे, ये देखिए। आप चाहे तो इसमें तेल कम भी रख सकते हो, लेकिन अगर हैदराबादी कुजीन का खाना बना रहे हो तो आप थोड़ा ऑयल बटर इसमें ज़्यादा ही लगता है। देखिए चलिए अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे, चलिए इसमें प्याज ऐड कर देंगे। देखिए फ्लेम आपका मीडियम पे ही रखना, इसको हम हल्का ब्राउन होने तक के अच्छे से भून लेंगे। अच्छा देखिए इसमें आपको अगर खड़ा मसाला ऐड करना है तो खड़ा मसाला ऐड कर सकते हो, मुझे इसमें खड़ा मसाला पसंद नहीं है इसलिए मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप खड़ा मसाला ऐड कर सकते हो। चलिए इसको ब्राउन होने देंगे अच्छे से। देखिए इसमें 1 चम्मच हम बटर ऐड कर देंगे, देखिए, और 1 चम्मच हम सर्व करने के लिए रख देंगे, ओके। अच्छा देखिए इसमें बटर आपको नहीं डालना है तो 1 चम्मच आप देसी घी ऐड कर सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है टेस्ट, ओके। इसको हम ब्राउन होने तक के इसको भूनना है, जलाना नहीं, बस हल्का ब्राउन होने देना है। देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है, देखिए हल्का गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम हरा मसाला ऐड कर देंगे, देखिए हरा पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें हम पाउडर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, देखिए। अब इसको अच्छे से हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे इसको, देखिए इसको 2-3 मिनट अच्छे से भून लेना है आपको, देखिए अच्छे से भून लेना है मसाले का, जब तक ये कच्चापन नहीं चले जाता इस जब तक के आपको भूनना है। देखिए इसको 3 मिनट हो गया, हम लगातार मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून रहे। देखिए आप थोड़ा फ्लेम आपका लो कर दीजिए और हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, देखो। अब इसको भी अच्छे से आपको पका लेना है, दूध को भी इस मसाले के साथ में अच्छे से 2-3 मिनट हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे मसाले में, ये देखे। देखिए इस तरीके से आपको भूनना है, अच्छे से पका लेना है 2-3 मिनट, और देखिए ठीक होते जा रहा है अभी। देखिए आप अगर दूध नहीं डालना चाहते हो तो आप फुल फैट ये मलाई डाल सकते हो, क्रीम डाल सकते हो 1 कप, ओके। इसकी क्रीमीनेस बहुत अच्छी लगेगी अगर आप क्रीम डालते हो तो। देखिए हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए, कश्मीर ऐड कर दीजिए, देखिए ये अच्छे से भून गया। अब इसमें थोड़ा हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे, देखिए देखिए अब ये अंडा ऐड कर देंगे,
लेकिन अंडे को आप ये जो साइड है आप इस तरीके से नीचे कर दीजिए, देखिए इस तरीके से कि हमने अंडे ऐड कर दिए। अब इसको लो फ्लेम पे हमको 5 मिनट पकाना है। चलिए लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे इसको। देखिए 5 मिनट हो गए, अब इसे हम खोलकर देख लेंगे। चलिए देखिए धीमी आंच पे अच्छे से पक रहा है। देखिए अभी इसे हम आहिस्ते इस तरीके से, देखिए इस तरीके से सबको पलट देंगे। देखिए इस तरीके से पलट के 2 मिनट हम फिर पकाएंगे इसको। चलिए 2 मिनट हो गया, अब हम देखेंगे इसे। देखिए चलिए आप फ्लेम आपका बंद कर दीजिए और इसको 2 मिनट ऐसे ही ढककर रख देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। चलिए सर्व कर लिया है। चलिए आप इसे हम बटर ऐड कर देंगे इसमें। देखिए हमने सर्व कर लिया है। देखिए बटर ऐड कर दिया है, थोड़ा कोथमी डाला है, थोड़ा हरी मिर्ची से इसको सर्व किया है हमने। देखिए ये बहुत अच्छा टेस्टी रेसिपी है। देखिए इसे आप घर में ट्राई कीजिए। ये तंदूरी रोटी, नान, पाव, चावल से बहुत अच्छा लगता है। देखिए आपके फैमिली को पसंद आएगा, प्लीज इसे ट्राई कीजिए। चले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। चले अल्लाह हाफिज़।